सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो है लो यार्ड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लो यार्ड स्टील में आप लोग देखोगे भी 20% का सर्किट हमें स्टॉक में लगते नजर आया है और 4.07 करोड़ के करीब स्टॉक में आज के दिन हमें ये वॉल्यूम देखने को मिली है। इंट्राडे में मैंने आपको इसका टारगेट बताया था 45 रुपये और जब ये शेयर था 41 पर, तो वहाँ से भी एक अच्छी बाइंग बन रही थी। अगर किसी ने पैसा लगाया तो अच्छा मुनाफा हुआ है। अब यहाँ से मैंने बात आती है, बहुत सारे निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री लेके चलना चाहिए स्टॉक के अंदर, क्या इस लेवल से स्टॉक में पैसा बनेगा, कल के क्या रहने वाले हैं लेवल, और यहाँ पर हमारा जो है अभी प्रॉफिट बुकिंग किस लेवल के ऊपर हमें करना चाहिए वो भी आपको बताएंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आपको कुछ एक पहले इसके बारे में चीज़ें दिखाते हैं, जैसा कि इसकी पीई रेशियो है। मैं आपको हर वीडियो में पीई रेशियो क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये देखने को मिल जाए कि पीई रेशियो एक्चुअली में होना चाहिए 25, 20, 15 इस रेंज में, लेकिन ये तो गया हुआ 135 के आसपास है। यानी शेयर स्ट्रांगली आप लोग देखोगे भी एक ओवर वैल्यूड हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर ओवर वैल्यूड है, अभी भी संभलने का मौका है, हमें यहाँ पर संभल के चलना पड़ेगा, आँख बंद करके नहीं चलना है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक को यहाँ पर सेल कीजिए, हमें आँख बंद करके नहीं चलना है। अगर प्रॉफिट मिल रहा है काफ़ी अच्छी बात है, प्रॉफिट लिए सभी आते हैं ना, तो आज 20% भागा है ना, तो कल के दिन स्टॉक में चांस है प्रॉफिट बुकिंग होने के, यानी कल के दिन शेयर जो भी टूट सकता है, ये ध्यान में रखो। हमें हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आपको कल के दिन स्टॉक को सेल करके निकल जाना है, स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। अगर तेजी बने हमें ही प्रॉफिट होगा भाई, किसी और को नहीं होने वाला। अगर गिरावट होगी तो हमें ही लॉस होगा, किसी और को नहीं होने वाला। आपको अगर देखो गिरावट होगी तो आपको लॉस होगा, नहीं कि मेरे को लॉस, ठीक है। अगर मैंने खरीद रखा है तो मुझे भी लॉस होगा, अगर किसी और ने खरीद रखा है तो उसको भी लॉस होगा, लेकिन गिरावट से होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लॉस से बचना हमारे हाथ में है। ये गिरावट बचाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस लॉस को बचाना हमारे हाथ में है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले इसका डाटा देख लेते हैं। अभी प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 38 रुपये 40 पैसे ओपन हुआ 39.10 के भाव पर। फिर स्टॉक ने जो लो लगाया है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 39.10 का लो ही लगाया, उसके बाद शेयर नीचे नहीं गया है, ठीक है। जिस प्राइस पर ओपन हुआ वही इसका लो रहा है, उसके बाद शेयर जो अभी आपको अपर सर्किट ही लगाते हुए नजर आए, नॉन स्टॉप तेजी बनी है। और मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे जबरदस्त ऑर्डर लगा हुआ है, बाय का जो ऑर्डर है वो तकरीबन आप लोग देखोगे 22,15,000 क्वांटिटी का है। जी हाँ, 22,15,000 क्वांटिटी का बाय के लिए ऑर्डर लगा है। साथ में आप लोग देखो जो डिलीवरी पोजीशन हमें देखने को मिली है कैसा है, लगभग आप लोग देखोगे 33.5% के आसपास डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी भी ठीक उठी है, बट और दिन से अगर कंपेयर करें तो कम डिलीवरी उठी है। और दिन आप लोग देखोगे 50% प्लस डिलीवरी उठती थी पर डे, आपने देखा होगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था अभी 50% प्लस अगर डिलीवरी उठ रही है ना, तो बड़े प्लेयर हैं जो स्टॉक को खरीद कर होल्ड कर रहे हैं और स्टॉक को एकदम पंप करेंगे। वहाँ से आप लोग देखोगे ये ऊपर के लेवल से निकलेंगे और फिर आप लोग फंसोगे, ये मैंने आपको पहले बोला। और वही सिचुएशन अब बन चुकी है, ये बड़े प्लेयर जो है पहले से होल्डिंग थी इनकी, ठीक है। पर डे आपने देखा होगा 50% प्लस डिलीवरी उठाई जा रही थी ना, तो पर डे होल्ड कर रहे थे ये, 60% डिलीवरी वहाँ पर होल्ड कर रहे थे नीचे के लेवल, बॉटम से होल्ड किया, अब ऊपर के लेवल से आहिस्ता ऐसा करके निकालेंगे और पब्लिक यहां पर ट्रैप होगी, लेकिन हमें यहां पर ट्रैप नहीं होना है। तो चलिए भी देखते हैं, आज जो शेयर ट्रेड हुआ है 3.10 करोड़ के करीब और जो डिलीवरी उठी है 1.04 करोड़ के करीब। तो चलिए अब देखते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर लेवल और हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी वो भी। तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई, स्टॉक में जो ज़बरदस्त रैली आई ना आज के दिन, ये ऐसे नहीं है, ये हैवी वॉल्यूम के चलते आई है ना, कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती हुई नज़र, आप सभी को पता है। तो स्टॉक में जो ना भी बड़े प्लेयरों की एंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े बड़े ऑर्डर जो ना भी बड़े प्लेयरों के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसीलिए अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो 43 रुपये का कल के लिए जो ना भी एसएल पुट करके चलना चाहिए। जी हाँ, 43 का एसएल लेके चलना है। अगर 43 को स्टॉक नीचे में काटे तो स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो, हमें फिर नहीं बैठना है भाई, ठीक है। 43 का एसएल लो, अगर नीचे में कटे तो बाहर मारो, एग्जिट मारो। अगर इसके नीचे में शेयर आया तो पक्का डेफिनेटली आप लोग देखोगे 10-12% टूट सकता है। तो यहाँ पर आपको जब बिल्कुल सतर्क रहना है और मे भी शेयर यहाँ से आपको 50 के ऊपर में भी टारगेट दिखा सकता है कल के दिन, क्योंकि जिस प्रकार से ऑर्डर लगे हुए ना, ये शेयर मे भी 5% के अप बैंड के साथ ओपन होते हुए नजर आए, यानी कि गैप अप के साथ 5% गैप अप के साथ ओपनिंग ले सकता है। जिस हिसाब से 22 लाख प्लस ये जो बाइंग ऑर्डर लगे हुए ना, उस हिसाब से अगर देखें तो गैप अप के साथ ओपनिंग ले सकता है। बट हमें ये नहीं भूलना कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 50 रुपये के लेवल टच आए तो प्रॉफिट बुक करके बैठो भाई शांत से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक ऊपर के लेवल से पक्का टूटेगा, ठीक है, कभी भी गिरावट आ सकती है। और ये शेयर आप लोग देखोगे 35 के आसपास 36 के आसपास आते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर ये मौका अपने हाथ से नहीं जाना है। अगर यहाँ पर आपने अपना प्रॉफिट नहीं निकाला ना,
फिर से वही गेम में घूम जाओगे। तो यहाँ पर जो ना बिल्कुल सतर्क रहना है, 43 का एसएल कटे तो बेचो, अगर ऊपर में है तो हमारा है, ठीक है। अगर स्टॉक 5% के गैपअप के साथ ओपनिंग ले तो आपका जो आज का ये हाई है ना, ठीक है, इसे आप लोग जो ना भी नीचे में इसका क्या पकड़ोगे, अगर 5% गैपअप के साथ ओपनिंग ले तब की मैं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, 44.5 रुपये का एसएल पुट करना फिर तो गैपअप के साथ ओपनिंग हो, तो फिर 50+ के टारगेट स्टॉक आपको दिखा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो समझाने के बारे में मैं आपको सोच रहा हूँ वो आप समझे भी हो गया, अगर नहीं समझे तो कमेंट में बता देना। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर होंगे स्टॉक को लेकर, बाय होल्ड सेल क्या करना चाहिए क्या नहीं, फ्रेश एंट्री के बारे में अगर पब्लिक सोच रही है कोई भी तो भी विदाउट जो ना भी स्टॉप लॉस लिए मत चलना, ठीक है। मैं ये नहीं बोला स्टॉक को सेल ही करो, एसएल स्टॉप लॉस के नाम की चीज है वो लेके चलिए, अगर कटेगा तो भाई बाहर निकलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।